अस्सलाम वालेकुम। अगर आप चाय पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, बहुत अरसे से चाय पीते हैं, और अगर आपको एक टाइम के लिए चाय ना मिले तो आपके सर में शदीद दर्द शुरू हो जाती है। आपको लग रहा है कि आपका सर जो है वो दर्द से फट जाएगा जब तक आपको चाय नहीं मिलेगी। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आज मैं एक मेडिसिन लेके आई हूँ जो आपके सर दर्द के मसले को हमेशा के लिए ठीक कर देने वाला है। आज की जो मेडिसिन है वो थिया है। थिया मेडिसिन जो है वो चाय पीने वालों के लिए ही बनी है, और ये मेडिसिन चाय की पत्ती से बनी है। जैसे मैंने आपको कॉफिया मेडिसिन पढ़ाई जो कॉफ़ी से बनी थी, और अभी मैंने पिछले ग्रेफाइटिस पढ़ाई, और आज जो मैं मेडिसिन आपको पढ़ाने वाली हूँ वो थिया है। थिया जो है ज़्यादा ऑर्गन्स पे नहीं है, ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी बिल्कुल नहीं है, लेकिन जितने भी ऑर्गन्स के ऊपर इसका अफेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है। तो इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट देखने को मिला है आपकी हेडेक में। इस तरह का सर दर्द जो आपको, ऐसे लोगों का जो बहुत चाय पीने के शौकीन है, बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं, और जब इन केस ऑफ इमरजेंसी उनको चाय नहीं मिलती है तो उनके सर में बहुत अजीब सा दर्द शुरू होता है। जो हेडेक है, जो थिया का हेडेक है, वो इस तरह का है कि पेन कभी लेफ्ट साइड पे होती है, कभी राइट साइड पे होती है, कभी पीछे जाती है। यानी चलने फिरने वाला दर्द, माइग्रेट करने वाला दर्द, कभी राइट साइड का, कभी लेफ्ट साइड का, कभी ऑक्सीपेटल बोन का, कभी बैक का। इसमें एक स्पेसिफिक सिम्टम देखने को मिली है कि पेशेंट को अपनी ऑक्सीपेटल बोन के ऊपर ठंडक महसूस होती है। थिया की सरदर्द बाकी सरदर्द से इस तरह डिफरेंट है कि पेशेंट को ऑक्सीपिटल बोन के ऊपर ठंडक महसूस होती है, ठंड का एहसास होता है। तो ऐसी कंडीशन में थिया जो मेडिसिन है वो बहुत अच्छा अफेक्ट करती है। इसका जो नेक्स्ट अफेक्ट है वो स्टमक के ऊपर है। स्टमक में ये गैस्ट्रिक के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। इस तरह की गैस जो अचानक से खारिज हो जाए, यानी कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक होती है, और ये उन पेशेंट्स को होती है जो बचपन से ही चाय पीते हैं, स्पेशली उन बच्चों को जो माएँ जिन बच्चों को बचपन से ही चाय पीने का आदि कर देती हैं, और वो डेली की रूटीन में बच्चे बराबरी पे पेरेंट्स के साथ, बड़ों के साथ चाय पीते हैं, तो उन बच्चों के अंदर ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देखने को मिला है कि बच्चों को एकदम अचानक से डकार का बुलंद आवाज़ में आ जाना, जिससे बाज़ दफ़ा बच्चे और बड़े एम्बेरसमेंट भी फील करते हैं कि आप किसी महफिल में बैठे हुए बात कर रहे हैं तो एकदम आपको डकार आया बहुत बुलंद आवाज़ में, जिसको चाहते हुए भी आप रोक ना पा रहे हों। इस तरह की गैस्ट्रिक सिम्टम्स आपको, नेक्स्ट स्फेयर ऑफ एक्शन है वो हार्ट के ऊपर है, पल्पिटेशन के ऊपर है। पेशेंट को ऐसा फील होता है कि उसकी जो हार्ट बीट है वो अब नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ गई है, उसको अपने दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ फील होती है, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो बाज़ दफ़ा बहुत एंजाइटी में चला जाता है, बहुत डिप्रेशन में चला जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि ये क्या है मेरे दिल। वो बार बार अपनी धड़कन को चेक करता है कि क्या हो गया, मेरी धड़कन बहुत ज़्यादा क्यों हो रही है। तो इररेगुलर जो पल्पिटेशन है वो थिया में देखने को मिली है। पेशेंट के अंदर एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट पाई जाती है, और उसके अंदर इस तरह की बेचैनी है कि उसे ऐसे लगता है कि कुछ होने वाला है। ये लेफ्ट साइड पे पेशेंट को ज़्यादा कुछ ऐसा फील, ऐसी सेंसेशन होती है कि जिसको वो बयान नहीं कर पा रहा होता। वो कहता है कि मुझे ना तो दर्द है ना गैस है, लेकिन यहाँ पर कुछ है, मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है। जब पेशेंट अपने सिम्टम्स को सही तरह, तो पेशेंट को ये बेचैनी जो है ये लेफ्ट साइड पे होती है, लेकिन लेफ्ट साइड पे वो लेट भी नहीं सकता है। उसको लेफ्ट साइड पे लेटने से जो है वो बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी बढ़ जाती है। इसका जो स्फेयर ऑफ एक्शन है वो आपकी नींद पे है, इनसोम्निया। इनसोम्निया रात को नींद का उड़ जाना। अब पैसिफ्लोरा में भी, कॉफिया में भी नींद का उड़ जाना है। कॉफिया में क्या होता है कि पेशेंट जिस वक्त सोने के लिए बिस्तर पे जाता है तो उसको एक ख्याल आता है, वो ख़त्म होता है तो नेक्स्ट आ जाता है। ओवर थिंकिंग की वजह से जब आपकी नींद उड़ जाती है तो कॉफिया बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन थिया ऐसी कंडीशन में बहुत अच्छा काम करती है कि आप जब नींद में सोने के लिए जाएँ और आपको कोई ऐसी ओवर थिंकिंग नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई ख्याल नहीं सता रहे, आप अपने रेगुलर रूटीन के मुताबिक लाइट बंद करके, सारे अपने काम करके लेट गए हैं नींद आने के लिए, लेकिन नींद नहीं आ रही है,
आप बहुत बेचैन है, करवट बदल रहे हैं, लेकिन नींद किसी सूरत नहीं आ रही है। इस सोमनिया में बहुत अच्छा काम करती है थिया। इसमें क्या होता है कि हाइपर सोमनिया में भी बहुत अच्छा काम करती है कि रात को तो आपको नींद नहीं आई, लेकिन दिन के टाइम आपके वर्किंग आवर्स में आपको बहुत ज़्यादा स्लिपी फील हो रहा है, आपको नींद आ रही है, बहुत ही सुस्ती सी है। और इस सुस्ती और इस स्लिपी कंडीशन की वजह से आप अपने काम को प्रॉपरली नहीं कर रहे हो, तो इसको हाइपर इनसोम्निया कहेंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी जो थिया है ये बहुत अच्छा काम करती है। तो इसकी अब डोजेज को देख लेते हैं। इसको आपको मदर टेंचर, बहुत रेयर मेडिसिन है, इतनी इजी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको साथ ये सिम्टम सारी मैच हो रही हैं कि आप बहुत अरसे से शौकीन है चाय के और बहुत ज़्यादा एक्सेस यूज़ की वजह से आपका स्टमक भी डिसऑर्डर हो गया है, आपकी नींद भी, और अक्सर आपको हेडेक बना रहता है, तो आपको इसको मदर टेंचर में यूज़ करना है। इसको आप थोड़े से नीम गर्म पानी में चाय की तरह ही बेशक अगर यूज़ करके देखें, जितना हॉट वाटर फॉर टी हम यूज़ करते हैं उसमें ये डालिए, आप इसको पीजिए और आपको नींद भी अच्छी हो जाएगी, स्टमक भी और हेडेक भी दूर हो जाएगा। और कभी ऐसा होता है आप ऐसी जगह पे जाते हैं, आपको चाय का नशा टूट रहा है, आपको चाय पीने को बहुत दिल चाह रहा है और आपको चाय अवेलेबल नहीं है, तब भी ये मदर टेंचर में मेडिसिन आपकी हेल्प करने वाली है। इसको निकालिए, इसको चाय जितने पानी को गर्म कीजिए, इसमें 50 ड्रॉप्स पीजिए, डालिए और उसको पीजिए, आपकी चाय की जो एडिक्शन है वो पूरी हो जाएगी। तो आई होप सो कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत स्ट्रेंज और बहुत खुश कर देने वाली होगी। तो इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आ रही हूँ नेक्स्ट इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदा।